तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अब्रॉड जॉब यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको मेडिकल गैस टेक्नीशियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताने वाला हूं। जो भी मेडिकल गैस टेक्नीशियन माना चाहते हैं तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हैं मेडिकल गैस टेक्नीशियन के लिए क्या क्या ज़रूरी है और क्या करना पड़ता है मेडिकल गैस टेक्नीशियन को। तो चलिए समझ लेते हैं मेडिकल गैस टेक्नीशियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मेडिकल गैस में ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, जो वाइट कलर का है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है और इसका अलग अलग साइज का ऑक्सीजन आता है। यहाँ पे इसका पैनल है, पैनल में शो करता है कितना इसमें ऑक्सीजन है और कितना खाली हुआ है, प्रेशर गेज में बता देता है। अगर प्रेशर डाउन रहता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर को चेंज किया जाता है। ये यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज होता है एंड दूसरा फुल वाला ऑक्सीजन लगा दिया जाता है और यहीं से ऑक्सीजन सप्लाई होता है पेशेंट को ऑक्सीजन के लिए। ओके एंड अलग अलग साइज का जो आता है एम्बुलेंस में लगता है छोटा वाला साइज। एंड ये है नाइट्रस ऑक्साइड है ये, जो कि ये भी एक गैस है, कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस है। इसका जो टैंक ये है एंड नाइट्रस ऑक्साइड का कलर, जो सिलेंडर का कलर होता है वो ब्लू होता है। ओके ऑपरेशन करते समय उसको बेहोश कर देते हैं एंड उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। ये डोज दिया जाता है और जितना डोज देंगे उतना घंटे के लिए वो बेहोश रहेगा, उसके बाद वो होश में आ जाता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड का ये काम है एंड ये नाइट्रस ऑक्साइड पेन रिलीफ भी करता है। एंड यहाँ पे ये पैनल है उसका, इसमें बता देता है कि कितना उसमें नाइट्रस ऑक्साइड फुल है या खाली हुआ है। अगर खाली रहेगा तो प्रेशर डाउन हो जाएगा और उसके बाद उसको चेंज करना पड़ेगा। एंड ये वैक्यूम है, वैक्यूम का भी काम होता है, ये किसी चीज़ को शक करना, गला में कुछ फंस गया है तो ये शक कर करके और निकालता है पाइप के थ्रू। एंड इसका और भी बहुत सारा काम है, इसको प्रेशर मेंटेंस किया जाता है मैनुअल में। अब बात कर लेते हैं मेडिकल एयर की। जो इधर दिख रहा है ब्राउन सिलेंडर, ये मेडिकल एयर है एंड ये मैनुअल में है और इसका ऑटो में भी प्लांट लगा हुआ है। ये ऑटो है, इसमें कंप्रेसर के थ्रू गैस भरा है। ये कंप्रेसर है, फिलहाल ऐसा कंप्रेसर है और यहाँ पे एक कंप्रेसर था वो ख़राब हो गया है, इसके लिए वैसा मोटर की तरह लगाया गया है, मोटर बाहर से है। पहले वाला कंप्रेसर ये है जो ख़राब हो गया है, इसको खोलकर रिपेयर के लिए भेजना पड़ेगा। इसका अंदर से इस टाइप का कंप्रेसर होता है, आप लोग कंप्रेसर तो देखेंगे अंदर से नहीं देखेंगे, ये अंदर से कंप्रेसर आप देख लीजिए। नेक्स्ट ये है सिलेंडर है, जिसमें हर साइज का सिलेंडर है, जो कि एम्बुलेंस में भी जाता है छोटा वाला एंड बड़ा वाला यहाँ पे तो मैनिफोल्ड में लगा हुआ होता है एंड मैनुअली पेशेंट के बेड के बेड पे भी लेके जाया जाता है छोटा वाला। यहाँ पे आता है जो कि मैनिफोल्ड लगा हुआ होता है, उससे गैस यहाँ पे आता है और अलग अलग नाइट्रस ऑक्साइड मेडिकल एयर ऑक्सीजन का अलग अलग बनाया हुआ है एंड यहीं से फिर गैस को मरीज तक पहुंचाया जाता है। ओके और बीच बीच में ऐसा ऐसा पैनल लगा हुआ होता है जो कि अगर प्रेशर डाउन होता है तो अलार्म करने लगता है। यहाँ पे ऑक्सीजन है और वैक्यूम का ये पैनल है, अगर डाउन होता है प्रेशर तो यहाँ पे अलार्म बजने लगेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।